सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। गाइज, मैं विवेक धुमाड़े, आज हम बात करेंगे कृष्णा डायग्नोसिस आईपीओ के बारे में। कृष्णा डायग्नोसिस आईपीओ की डिटेल जानने के पहले मैं आपको कुछ आईपीओ के बारे में बताना चाहता हूँ। इस सप्ताह 4 से 5 आईपीओ आ रहे हैं और 9 अगस्त को एक कार ट्रेड का भी आईपीओ आ रहा है। गाइज, आपको सभी आईपीओ में पैसे डालना है तो मिनिमम 1 लॉट तो भी डालना पड़ता है। मिनिमम 15,000 की इन्वेस्टमेंट होती है, मिनिमम 15,000 रुपये आपके स्टक हुए रहते हैं जब तक आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि आप चारों आईपीओ के डिटेल्स मैं इस वीडियो के द्वारा देने यूट्यूब के द्वारा दे रहा हूँ, और आप पूरा वीडियो देखिए और बाद में फिर अप्लाई कीजिए, पूरा देख के कि इसको अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ को अप्लाई नहीं करना है। कल ही मैंने एक शाम को वीडियो डाला था, उस आईपीओ का नाम था देवयानी आईपीओ के रिव्यू। देवयानी आईपीओ को आपको रिव्यू आईपीओ के लिए अप्लाई करना ही है। अब देखते हैं कृष्णा डायग्नोसिस आईपीओ को अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो गाइस, कुछ डिटेल्स मैं आपको पहले बताऊंगा उसके। सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा डायग्नोसिस कंपनी के बारे में। 2010 में इनकॉर्पोरेट कंपनी हुई है कृष्णा डायग्नोसिस आईपीओ। गाइस, ये आपको पता होगा कंपनी, ये लाल फैथ लैब, थायरोकेयर, इन जैसी कंपनियों में आती है। ये डेली जो रूट अपने लैब टेस्ट होती है, पैथोलॉजी टेस्ट होती है, रेडियोलॉजी टेस्ट होती है, ये सारे टेस्ट में ये काम करती है। पर इस आईपीओ का अगर आप बहुत ही बढ़िया चीज़ अगर देखोगे तो ये आईपीओ 13 सिटीज में, इंडिया के 13 सिटीज में काम कर रही है और मोर देन 1,801 डायग्नोसिस इस कंपनी के ऑल ओवर 13 स्टेट में फैले हुए हैं। इन फिस्कल 2010 द बिजनेस हैज सर्व मोर देन 5.27 मिलियन पेशेंट्स, मोर देन 5.2 मिलियन पेशेंट्स को अब तक इन्होंने सर्व किया है। अगर थोड़ा हम इसके कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। इस कंपनी की जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है वह है, ये डिफ्रेंशिएट करती है अलग डायग्नोसिस कंपनी से क्योंकि इनका जो रीच है मोर देन 13 स्टेट्स में है और एक्सटेंसिव मार्केट फुटप्रिंट होने की वजह से ये वॉल्यूम बिजनेस करते हैं और कम दामों में भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस में भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और लास्ट 3 से 4 साल से इनका कंसिस्टेंट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ट्रैक रिकॉर्ड्स, ये बहुत ही बेहतरीन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इनका फाइनेंशियली, कंपनी का फाइनेंशियली वेल्थ कैसी है, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ कैसी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल असेट्स कंपनी के पास 2019 में 5,289 करोड़ थे, 2020 में 6,299 करोड़ और 2021 में 6,000 करोड़। तो गाइज, इनके अगर टोटल रेवेन्यू को देखेंगे तो 2019-2020 के मुकाबले 2021 में इनका जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा है। 2,700 इनका 2020 में रेवेन्यू था, अब जो रेवेन्यू इनका है वो है 6,614 करोड़ 2021 में। लास्ट 2 साल से कंपनी लॉस में चल रही थी, 580 लॉस था करोड़ 2019 में, 2020 में 1,119 करोड़ लॉस था। बट 2021 में अगर देखोगे तो कोरोना का इफेक्ट की वजह से इनका जो प्रॉफिट कंपनी हुए 1,849 करोड़ रुपीज इनका प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखते हो तो ये कंपनी का जो लास्ट 3 साल का ट्रैक परफॉर्म, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, ये काफ़ी बेहतरीन रहा है। लॉस उन्होंने कम करते करके ये कंपनी प्रॉफिट में आई है और अभी जितने भी हेल्थ केयर पैथोलॉजीज जो कंपनीज है ये सारी अच्छे परफॉर्म करने वाले, आने वाले 2 से 3 साल के भीतर इन कंपनी का सबका, इन कंपनी जितनी भी कंपनी है, लाल पैथला, थायरोकेयर, अब ये कृष्णा डायग्नोसिस, ये सब के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन आने वाले हैं क्वार्टर्स के। और मुझे लगता है 3 साल में ये सारी कंपनी री रेटिंग करेंगी और मोर देन 100% आपको रिटर्न्स ये कंपनी यहाँ से दे सकती है। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखते हो तो कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी बेहतरीन मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कंपनीज के इंपॉर्टेंट डेट्स। 4 अगस्त को आईपीओ ओपन हो रहा है, 6 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो रहा है, बेसिक अलॉटमेंट आपको 11 अगस्त को मिलेंगे, इनिशियल रिफंड 12 अगस्त को आ जाएंगे, अगर आपको अलॉट होता है तो 13 अगस्त को आपके अकाउंट में शेयर आएंगे और 17 अगस्त को ये शेयर देवयानी
आईपीओ के साथ साथ ये शेयर भी लिस्टिंग होगा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्टेड हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बुक बिल्ड इशू है 933, 933 से 954 रुपये, 954 तक इस कंपनी का आईपीओ प्राइस है। 933 इसका फ्लोरिंग प्राइस है, 954 इसका सीलिंग प्राइस है। सीलिंग प्राइस में आपको अप्लाई करना है, 954 में मैं बोलूँगा अप्लाई इसको करिए। मार्केट लॉट 15 का है, 954 इंटू 15 ऑलमोस्ट 14,310 रुपये होते हैं, तो ये इसका मिनिमम वन लॉट है। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही सस्ता लग रहा है मुझे शेयर्स ये। इस कंपनी के अगर मुझे आने वाले समय में अगर देखना चाहता हो तो ये कंपनी आपको डबल या से 2 साल में पैसा कमा के दे सकती है। लिस्टिंग गेन और क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर काफ़ी बेहतरीन मुझे लग रहा है। यहाँ पे 1,213 करोड़ का कंप्लीट इशू साइज है, उसमें से 400 करोड़ जो फ्रेश इशू दिख रहे हैं और 813 करोड़ जो है ये प्रमोटर के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर अपने शेयर डायलूट्स कर रहे हैं। तो गाइज अब इस कंपनी का हम देख, इस कंपनी के बारे में हमने तो पूरा डिटेल जानकर ली है, पर इस कंपनी की जो पीएस कंपनी है उस कंपनी के हम कुछ चार्ट देखते हैं कैसे अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइज ये चार्ट से लाल फैतलब का, लाल फैतलब का आप चार्ट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 1800 इसकी जो 2020 28 अगस्त 2020 को 1800 रुपीज़ इसकी प्राइस थी, आज अगर प्राइस देखोगे तो इसकी प्राइस है 3840, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा, 100% ये प्राइस इसके एक साल में बढ़ गई है। यहाँ से भी मुझे लगता है ये स्टॉक कंप्लीट बुल रन में है और यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन दे सकता है और उसके बाद ये स्टॉक फिर से आपको अच्छे से रिटर्न देगा। ये पूरा सेक्टर जो है गाइस इसका हम अभी देखते हैं, थायरो केयर, थायरो केयर का भी देखिए काफी बढ़िया तरह से परफॉर्म कर रही थी। 660 रुपए इसका स्टॉक था 20 अगस्त 2020 को, आज इस कंपनी का स्टॉक है 1300 रुपये, ये भी डबल हो चुका है स्टॉक, डबल से ज़्यादा हो चुका है। कुछ दिन से अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, अब मुझे लगता है यहाँ से ये ब्रेकआउट देने के कगार पे और ये कंपनी भी आपको यहाँ से डबल होती देखेंगे आने वाले 2 से 3 साल के भीतर। आपने अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग गेन पे आपको 20 से 25% रिटर्न मिल सकता है। 954 से मुझे लगता है ये जो इशू प्राइस इसकी हो सकती है और इसका जो लिस्टिंग प्राइस जो हो सकती है आने वाले समय में ऑलमोस्ट लिस्टिंग गेन 1500 तक लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है, 1400 to 1500, ऑलमोस्ट 600-700 रुपये यहाँ से मिल सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। और आने वाले समय में 2 से 3 साल में ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में भी इसको रख सकते हो। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ, अगर शेयर कीजिए उनको भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।